अगर यहाँ पे चढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चिकनी मिट्टी है इसलिए, और पहाड़ पे हमें चढ़ना है बट जंप नहीं मारनी, क्योंकि अपने को जंप नहीं आती, तो इसलिए हम लोग फ्लो में चलेंगे। ओ हो, अब मैं बहुत एंगल पे आ गया हूँ ना, अब यहाँ से मैं छोड़ दूंगा, अब यहाँ से मैं चलूंगा, अब ये इसकी सस्पेंशन है भाई साहब। तो जी ये एक और ऑब्स्टिकल है जो कि फोर व्हीलर के लिए होता है, थार वगैरह, स्कॉर्पियो वगैरह इसके अंदर, या ट्रक वगैरह चढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये गड्ढा है और ऊपर से चढ़ना पड़ता है, यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं। मैं देखता हूँ कि मैं इसको हाई स्पीड में कितना कर पाता हूँ, क्योंकि स्लो स्पीड के अंदर तो ये नॉर्मल सा खेल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ABS होते हैं परफॉर्मेंस मोड पे, और अगर मैं स्टार्ट करूँ और मैं इस गड्ढे के अंदर पूरे में इसको डाल दूंगा, यहाँ पे ना गड्ढा है तगड़ा वाला, स्पीड के अंदर देखते हैं कितनी स्पीड पे ले जा सकते हैं। ये देखो अगर दिख रहा पा रहा है तो ये बहुत ज़्यादा ऊँची है, और यहाँ पे क्योंकि चिकनी मिट्टी है इसलिए बाइक फंस सकती है, बट अपने ना निकाल ली। यहाँ पे जो देख रहे हो ना, यहाँ पे बाइक भी फंसती है, यहाँ पे कार भी फंसती है, यहाँ पे सब कुछ फंसता है, बट अपने ने स्पीड में इसको निकाल लिया है। और इसकी जो सस्पेंशन है वो कमाल की है, और ये सीट के टायर जो बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन्हीं से ही करेंगे ऑफ रोडिंग, अब वो कोई स्पेशल टायर तो इसमें लगाएंगे नहीं। और मैं एक बात बताता हूँ कि ऑफ रोडिंग करने के लिए अगर आपको करनी है तो उसके लिए आपको स्किल्स डेवलप करनी है थोड़ी सी, टायर का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, रोल होता है बट बहुत ज़्यादा नहीं होता कि वो आपकी स्किल्स को खा जाएगा। तो ये एक और है हमारे सामने डिफ़िकल्टी, और यहाँ पे आपको देखने से पता नहीं चल रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एक बार ज़रा वो जगह दिखा दो जो बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप है ये, यहाँ पे चढ़ाना हिमालयन को एक बहुत बड़ा टास्क होगा मेरे लिए, मैं गिर भी सकता हूँ, मुझे चोट भी लग सकती है, बट अगर नहीं चढ़ी तो इट मीन्स कि यार वो मिट्टी बहुत ज़्यादा ढीली है और हमारी इतनी स्किल्स नहीं है, बट हमारी जितनी स्किल्स है इतनी नॉर्मल लोगों की स्किल्स होती हैं। अगर यहाँ पे चढ़ाने की कोशिश करते हैं, मैं मानता हूँ मैं कोई प्रोफेशनल एडवेंचर या फिर ऑफ रोडर नहीं हूँ, प्रोफेशनल जो लोग होते, बट हमारी जितनी स्किल्स है उतनी नॉर्मल लोगों की स्किल्स होती हैं। अगर हमने ये काम कर लिया तो आप लोग तो कर ही सकते हैं इस हिमालयन से, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करती है इन दिस सेगमेंट। ये है मेरा नेक्स्ट टास्क, ये जो है दिख छोटा रहा है बट मैं एक बार दिखा दूं आपको, ये अभी तक बना नहीं है, तैयार नहीं है, ये ढीली मिट्टी पड़ी है सारी, इसमें से ना तो कार निकलती ना कुछ, गड्ढे हैं बहुत मोटे मोटे, बट मैं यहाँ से कूदाऊँगा, वहाँ निकालूंगा, वो भी थोड़ा सा स्टीप है, ये भी है, वीडियो में पता नहीं कितना पता चल रहा होगा, बट इस वाले एंगल से देखो, मेरी वाली नज़रों के एंगल से नीचे की तरफ जा रहा है, ढीली मिट्टी पड़ी है, कि कभी भी ना पैर नीचे रख के मत उतारो, पैर नीचे रख के उतारोगे इम्बैलेंस हो जाएगी मोटरसाइकिल। आप ब्रेक वाला पैर रखो, ये वाला पैर जो है इसको रखो गियर पे, जैसे ही बाइक मूव करती है, ये देखो यहाँ से, ये अब मैं बहुत एंगल पे आ गया हूँ ना, अब यहाँ से मैं छोड़ दूंगा, अब यहाँ से मैं चलूँगा, अब ये इसकी सस्पेंशन है भाई साहब, जो कि बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, और यहाँ से बाइक गिर गई है, बट इट्स ओके, बाइक में कुछ भी नहीं हुआ, सेफ्टी पूरी प्रॉपर है, एक भी स्क्रैच कुछ नहीं, क्योंकि मिट्टी के अंदर गिरी है तो बाइक में कोई भी स्क्रैच कुछ भी किसी भी तरीके का नहीं आया, लेकिन हम यहाँ हारने मारने वाले नहीं हैं, हम यहाँ से चलेंगे दोबारा। ओके रेडी, क्योंकि मैं बीच में आ गया था, बीच में क्या है, ये जो आप मड देख रहे हो यहाँ पे कांड हो गया, वो क्यों ढीला सारा बीच में से, बट हम फिर भी इसमें से निकालेंगे। ओह बाइक इज ओवर, ओके इग्निशन ऑफ, नाउ इट्स रनिंग, ओके मैं फिर भी यहीं से नहीं निकालूंगा, बट इस वेरी डिफरेंट टाइप से, ये दिखने में ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन चलाने पे आओगे। यहाँ पे थोड़ी सी कठिनाई है, सारी मिट्टी मेरे गले के अंदर घुस चुकी है,
और यहाँ पे देखो कहाँ पे फंसा हूँ, ना नीचे जा सकते ना ऊपर, बट इसको ऐसे ही खींचना पड़ेगा ऊपर की तरफ। ओके, फ्रंट व्हील सेंसर फेल, फ्रंट व्हील का सेंसर फेल हो गया है अभी के लिए, फिलहाल के लिए कोई बात नहीं। वो ये बात कर रहे हैं ABS सेंसर की, इसको ओके कर देते हैं, डिस्प्ले सेट्स ओके। नेक्स्ट ऑब्स्टिकल, सामने बड़ा सा पहाड़ और पहाड़ पे हमें चढ़ना है, बट जंप नहीं मारनी क्योंकि अपने को जंप नहीं आती, तो इसलिए हम लोग फ्लो में चलेंगे। ओ हो यहाँ पे थोड़ी सी हाइट है इस वजह से नहीं नहीं चढ़ पाई, बट मैं यहाँ से निकाल लूँगा। नहीं अब यहाँ से उतारनी पड़ेगी। हाय ये जो, तो जी ये जो है एक ट्राई है हमारी, छोटी सी एक ट्राई कि देख सके कि एक्चुअली ये बाइक जो है ना ये कैपेबल तो बहुत ज़्यादा है, सस्पेंशन आउटस्टैंडिंग, जो भी इसका जो जिस तरीके से मोटरसाइकिल बना रखी है कहीं पे इसने मुझे प्रॉब्लम नहीं होने दी। और पता है मैं कोई प्रोफेशनल ऑफ रोडर तो हूँ नहीं, बट इसने मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे दिया इस मोटरसाइकिल ने, रॉयल इनफील्ड हिमालयन 450, प्यार हो गया इस बाइक से मुझे। वो क्यों, एक तो ये जो स्टॉक टायर लगे आ रहे हैं ये आउटस्टैंडिंग है, बहुत अमेजिंग है, इनको कम मत समझना, C8 के टायर्स हैं, बहुत बढ़िया। दूसरी बात ये स्पोक व्हील्स, इसकी वजह से आपको फील भी नहीं हो रहा है। और एक और पॉइंट है ये 21 इंचेस का जो व्हील है ना फ्रंट, यार ये ज़्यादातर गड्ढे, ज़्यादातर चीज़ें, ज़्यादातर जो एंगल हैं उनको आराम से पार कर रहा है। अब बात आ जाती है हमारी रेयर सस्पेंशन की, जो रेयर सस्पेंशन में ये लिंकेज मोनोशॉक आप देख रहे हैं, इसने जो काम किया है हमारी इस जर्नी के अंदर, मज़ा आ गया है, पता भी नहीं चलता पीछे से कि कब मेरे को, जैसे मेरे को टॉर्क चाहिए तो अगर मैं पैरों से पुश करूँगा अपनी बॉडी को ऐसे करके, तो पीछे वाले टायर पे इतना लोड पड़ रहा है कि उसको ट्रैक्शन मिल जा रहा है नीचे से। ये मेरे को प्लस पॉइंट लगा, बहुत बढ़िया। अगर मैं इसके ऊपर खड़ा भी हुआ तब भी पीछे वाले टायर पे फुल टू ट्रैक्शन है, अगर वेट मैंने आगे थोड़ा सा डाल दिया कि पीछे वाले टायर पे थोड़ा कम ट्रैक्शन हो, बट क्या हो रहा है उस सिनेरियो के अंदर कि मुझे बैलेंस बनाने के लिए ना थोड़ी बहुत बॉडी मूव करनी पड़ रही है, वो ऑफ रोडिंग के अंदर होती है। तो जैसे मैंने किया था अभी बीच में, तो मैं ऐसी एक जगह से उतर रहा था जहाँ पे मुझे पिछले टायर में ट्रैक्शन कम था, कम चाहिए था, फ्रंट टायर में ज़्यादा चाहिए था, तो मैंने वेट आगे किया था। तो जब वेट आगे किया था आगे वाला ABS हमेशा एंगेज रहता है, उस सिनेरियो के अंदर क्या होता है कि जब ABS को पता नहीं चल पाता ना कि कितने रोटेशन चल रहे, क्योंकि पिछला टायर ज़्यादा रोटेशन पर चल रहा है ऑफ करने के बाद में भी, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है ब्रेकिंग के अंदर, बट वो प्रॉब्लम नहीं होती, वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है ABS। बट वहाँ पे क्या है, पिछला टायर भी ट्रैक्शन के अंदर चल रहा है, मेरे को बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा यार ये टायर जो है ये एक नंबर है, बाइक जो है 10 out of 10 इन दिस बजट। अगर आपको सिंगल सिलेंडर बाइक चाहिए 40-40 के रेशो में, मतलब 40 Nm 40 ही इसका जो है ऑन एन एवरेज मान लिया जाए तो BHP, और लुक्स अमेजिंग, और घूम सकते हो उसके अंदर, ट्रैवल कर सकते हो, लॉन्ग ड्राइव्स कर सकते हो, थकावट नहीं होगी। सुबह सुबह हम जिसको चला के आए 60 किलोमीटर्स, यहाँ पे ये दिल्ली से बहुत दूर है एक जगह, अब 60 किलोमीटर चला के दोबारा जाना मेरे को दिल्ली, वो भी सेंट्रल दिल्ली रेड फोर्ट। तो मेरी इतनी सारी मेहनत के लिए थोड़ा सा चाहिए प्यार। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कीप रॉकिंग, वंस अगेन किंग इंडियन, बाय बाय।